तो भाई लोग आगे हम एक और रेंच द सिमुलेटर गेम प्ले वीडियो में। तो भाई लोग यहाँ पे पहले थोड़ा सा सामान बेच लेते हैं, थोड़ा पैसा वैसा कमा लेते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि भैया कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो भाई लोग अभी यहाँ पे अपने जियो बैलेंस अकाउंट में थोड़ा बहुत कैश आ चुका है, तो थोड़ी बहुत ऐश भी कर लेते हैं, सामान लेके आते हैं झेड़ पैड। लेकिन भाई लोग यहाँ पे तुम्हारे भाई ने दो गाड़ी ले ली, एक तो ये है एसयूवी, एक है दूसरी पिकअप टाइप ट्रक है। तो सबसे पहले एसयूवी को लेकर चलते हैं अपने घर पे, लेकिन उससे पहले भाई से मॉडिफाई कराना जरूरी है, ब्लैक ब्लैक कलर करवा के एकदम टॉप करवा के जब लेके चलेंगे भाई, घर पे ऐसे नहीं लेके चलना। तो भाई लोग यहाँ पे आ चुकी है अपनी ब्लैक एसयूवी एकदम तैयार होके, और बस अब घर चलते हैं चले के, मतलब अपने रेंज पे। और भाई लोग यहाँ पे तुम्हारे भाई ने एक एटीवी भी ले लिया था, ये क्या भाई बहुत ही ज़्यादा फास्ट गाड़ी है, मतलब यार 70 के पास जावे इसकी स्पीड, वो किसी गाड़ी की स्पीड इतनी जाती, हद से हद वो गाड़ियों की स्पीड जावे 30-40 या हद से 45, लेकिन भाई इसकी 70 जावे सीधी, 70-75-80 भी पहुँच गई थी एक बात हो, अरे बहुत ही ज़्यादा तेज है और एकदम मतलब कंट्रोल नहीं होता भाई, ऐसे ऐसे लहरा के भाग गए। तो यार ये बड़ा वाला जो ट्रेलर है भाई लोग, इसमें हम थोड़ी सी लकड़ियाँ भाई के ले आए हार्डवेयर स्टोर से, और सबसे पहले इससे लकड़ियाँ छोटी गाड़ी में लोड कर लेते हैं, क्योंकि भाई इतनी बड़ी गाड़ी को अंदर ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, जगह जगह अटकेगी, टूटे फूटेगी, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो भाई इसलिए सही है कि छोटी छोटी गाड़ियों में लकड़ी भर लो इसकी, और भाई जब ले जाओ उन्हें। और भाई लोग यहाँ पे तुम्हारे भाई ने एटीवी के पीछे एक छोटे वाली मतलब गाड़ी सी लगा के लकड़ी भरी है उसमें भी और एटीवी में भी, और यार ये थोड़ी सी बकचोदी सी होगी, पता नहीं कैसे इसने लकड़ी भरी इसके अंदर, मतलब यार इसके बैठने के लिए जगह नहीं बची लकड़ी भरने के बाद, लेकिन फिर भी एडजस्ट हो गया बंदा। भाई लोग अभी ये जो है पूरा का पूरा साफ हो चुका है, घास वास पूरी साफ हो गई इसकी, जमीन वाली घास। और भाई लोग यहाँ पे तुम्हारे भाई ने थोड़े से और जो शेल्फ से हैं स्टोरेज वाले वो लगा दिए, मतलब लग तो सारे ही रहे हैं लेकिन बन गए, वो तैयार हो गए एकदम, जिससे कि थोड़ा सा और स्टोर कर सकें हम सामान इसके अंदर। और भाई लोग यहाँ पे एक और जो ट्रेलर है वो भाई के लाया जा चुका है लकड़ियों से पूरी तरह से, वो देख लो है कितनी सारी हैं, और इसके जो मतलब गाड़ी है ना इसके ऊपर ऑयल की कैन रखी है, और इसके अंदर थोड़े से मेटल भी है जो ट्रेलर है उसके ऊपर, तो मतलब कुल मिलाकर पूरी कैपेसिटी का यूज़ किया गया इस बात हो। और भाई लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, थोड़े बहुत सेल वेल बना देते हैं, और जो इनका फीडिंग सिस्टम है उसे ही बना देते हैं थोड़ा सा। और भाई एक बार फिर से आ गए हम लकड़ियों के लिए, सबसे पहले तो मेटल लोड करते हैं ट्रेलर के ऊपर, फिर भाई लकड़ियों के लिए लोड करेंगे और सारा सामान लेकर चलेंगे। सही में यार ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, और सामने देखो कितनी सारी लकड़ियाँ, मतलब पूरा भरा पड़ा इलाका, वैसे पूरे को ट्रेलर के ऊपर लोड करना है और फिर लेके चलना है, लग रहा है ऐसा लग रहा है दूसरे जैसे बारिश ही होगी भाई लकड़ियों की। भाई लोग एक और ट्रक लोड हो चुका है, और जल्दी से लेके चलते हैं इसे अपने रेंच पे, गेम हैंडल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने भाई सारे के सारे बान साइल बना दिए हैं, और बान हाउस जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, बस इसके अंदर गाय लगा के रखनी है और भाई धंधा शुरू करना है। थोड़ी बहुत चीज़ है और एडवांस वो भी लगाएंगे लेकिन बाद में। और भाई यहाँ पे हमने दो मुगलों के घर भी बना दिए हैं, एक को व्हाइट पेंट कर दिया। और भाई लोग अभी रात का टाइम हो गया, और हम जो फीडिंग सिस्टम है उन्हें लगा रहे हैं। और भाई लोग यहाँ पे जो ग्रेनरी है और विंड मिल है उनकी रेंज चेक की जा रही है, ये जो हरा इलाका है पूरा उनकी रेंज है, और इससे मतलब इस तरह से बनाना है ग्रेनरी और विंड मिल को कि पूरा जो बाल हाउस है और ये है ना उसे इन्हें कवर करे, तो इन्हें कहीं ना कहीं बीच में लगाना है बिल्कुल। और अभी ऐसा सिस्टम बन गया है कि भाई दोनों साइड से कवर कर रहा है ये आराम से। और भाई लोग यहाँ पे जो गैराज है उसके फ्लोर लगा दिया गया है, और ऊपर की जो दीवार विवाल हैं जो ऊपर के फ्लोर्स हैं उनकी वो सब लगाई जा रही हैं। भाई हाफ वॉल खड़ी कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि मतलब कोई गाड़ी वाड़ी गिरे ना यहाँ से साइड में, क्योंकि भाई अगर गाड़ी गिरी तो भाई सीधी फंसेगी, और भाई फंसेगी तो टेंशन हो जाएगी फिर निकालने में, इसलिए भाई हाफ वॉल लगा दो इसमें अटक के आगे जाने की नहीं। तो इसमें पीछे की साइड में टेबल भी लगा देते हैं, जिससे कि यहाँ पे सामान वामान रख के पूरी जो भी प्रोसेसिंग का काम है पनी वनी बनाने का वो सब यहीं पर किया जा सके आसानी से। टेबल के भाई लोग ब्लू प्रिंट लग गए, और अब लगाते हैं भाई जो पनीर को स्टोर करने की जगह है उसका, वो मतलब यहाँ पे चीज़ स्टोर होता है भाई उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उन्हें झाड़ पर लगाते हैं हर बार सेल के सामने। और भाई यहाँ पे भी हमने थोड़ी सी टेबल लगा दी थी मुगलों के इलाके के पीछे वाली जगह पे, और अभी इनमें लकड़ी लगाते हैं झेड़ पैड। अभी भाई एक एंट्रेंस बनाई थी जिससे कि भाई डायरेक्ट उस इलाके में जाया जा सके आगे, क्योंकि यहाँ पे दीवार वगैरह यहाँ से जाना कुछ इलाकों में मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए एक पीछे वाली एंट्रेंस ही बनाई थी। और भाई इस पर गेट लगा के पेंट वेंट करके बिल्कुल सेट कर देते हैं जैसा कि होना चाहिए। और भाई लोग यहाँ पे जितने भी स्टोरेज की जगह थी वो सारी हमने बना दी हैं। भाई यहाँ पे इनके लिए बास्केट भी लाया तुम्हारे भाई बहुत सारी, और बाहर चल रही है बारिश। तो यार अगली वाली वीडियो में मिलेंगे फिर, आज की वीडियो बस इतना, बजाय तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगली वीडियो में।